मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। टोरेंट को लेकर जो है काफ़ी दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा था। हालांकि एक बात आपको बता दें कि टोरेंट ना आए इसको लेकर जो है यहां पर मुम्बरा हो, चाहे कलवा हो, चाहे शील दीवा हो, यहां पर टोरेंट को लेकर जो है हमेशा विरोध प्रदर्शन जो है किया गया था। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो है अब टोरेंट को लेकर जो है अब शहर में ये बात सामने आई है कि आज जो है रातों रात टोरेंट को जो है हैंडओवर कर दिया गया है। और महावितरण के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुंडेकरी हैं उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने ये जानकारी दी है कि आज 1 मार्च से जो है हैंडओवर टोरेंट को कर दिया गया है। आपको बता दें ये भारत गैर जो है महावितरण का कार्यालय था। यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि टोरेंट का बोर्ड लगाया गया था और इसी तरह से जो महावितरण का कार्यालय मेक कंपनी में है वहाँ पर भी टोरेंट का बोर्ड लगा दिया गया था। बाकायदा ऑफिस खोली गई है और दोनों जगह जो है पुलिस का भारी बंदोबस्त है। आपको दिखा दें यहाँ पर भी जो पुलिस की गाड़ी मौजूद है और इसी तरह का जो है पुलिस का बंदोबस्त जो मेक कंपनी जो महावितरण का कार्यालय था, बहरहाल आप टोरेंट कार्यालय उसे कह सकते हैं, टोरेंट का जो कार्यालय है वहाँ पर पुलिस का भारी बंदोबस्त लगा हुआ है। हालांकि जिस तरह से बोर्ड लगाया गया था टोरेंट का, वो बोर्ड जो है से कुछ देर पहले हटा लिया गया है। लेकिन ये बोर्ड क्यों हटाया गया है इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है कि आखिर बोर्ड क्यों हटाया गया है। लेकिन जिस तरह से नेताओं का जो है लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था इसको लेकर, वो नेता अब कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। और जो लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि टोरेंट को नहीं आने देंगे, कहीं ना कहीं उन लोगों को जो है अब मुंह की खानी पड़ी है। और टोरेंट 1 मार्च से जो है महावितरण ने टोरेंट को हैंडओवर कर दिया है और जो अब जो बिजली का जो चार्ज है वो टोरेंट कंपनी को दिया गया है। टोरेंट कंपनी अब 1 मार्च से चलाएगी। जिस तरह से रातों रात ये टोरेंट का बोर्ड यहाँ पर लगाया गया और कुछ ही देर बाद जो है फिर हटा लिया गया। हालांकि सोशल मीडिया पे भी जो है कुछ लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से नेताओं ने कहा था कि हम किसी भी कीमत पर टोरेंट को नहीं आने देंगे, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो है टोरेंट अब 1 मार्च से जो है पूरे शहर में, चाहे सील दीवा, मुम्बरा, कलवा हो, यहाँ पर आ चुका है। और अब कहीं भी कोई नेता नज़र नहीं आ रहा है। आपको दिखा दें यहाँ पर जो है बोर्ड लगा हुआ था, फिलहाल अब वो बोर्ड नहीं है। इसी तरह का जो मेक कंपनी का महावितरण का कार्यालय था वहाँ पर भी बोर्ड लगाए गए थे टोरेंट के, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें भी उतार लिया गया है। और जिस तरह से हमने महावितरण के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुंडेकरी हैं उनसे जब बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो है टोरेंट को हैंडओवर कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब कोई भी नेता, राजनेता नज़र नहीं आ रहा है और इनको कहीं ना कहीं अब मुंह की खानी पड़ी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आखिर टोरेंट को लेकर आगे विरोध करने वालों का क्या कदम होगा। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुम्बरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।